ये संडे के दिन हमने गुलाब जामुन बनाया हुआ था। तो ये देखिए, इस गुलाब जामुन में पहली बार जो है मैंने गुलाब जामुन में पनीर का भी यूज़ किया था। अदरवाइज हमेशा जो है मैदे और खोए का ही बनाती थी। ये चाशनी तैयार किया था गुलाब जामुन के लिए, ये भी बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे देखिए, मैं गुलाब जामुन तल रही थी और इसमें जो है क्या है कि इस बार हमने जो है थोड़ा सा ट्राई किया था जो काला गुलाब जामुन है उसको बनाने के लिए। तो इस बार काला गुलाब जामुन और ब्राउन गुलाब जामुन, दोनों टाइप्स के गुलाब जामुन बनाए थे। काला गुलाब जामुन में क्या होता है कि वही ज़्यादा देर तक आप तलेंगे तो काला हो जाता है। तो ये मतलब मैंने वैसे ही ट्राई किया था। तो ये काला गुलाब जामुन और ये ब्राउन गुलाब जामुन दोनों का मिक्स करके आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब हमेशा हम खोया और पनीर खोया और मैदा यूज़ करते थे, बट इस बार जो पनीर यूज किया था तो और भी स्पंजी बना था। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी, ये दानेदार जो गुलाब जामुन होती है ना वैसा बना था। मतलब मार्केट से भी बहुत अच्छा गुलाब जामुन बना था। जैसे शादियों में गुलाब जामुन बनता है ना, उसमें एकदम दानेदार रहता है, वैसा एकदम शादियों टाइप गुलाब जामुन बना था, एकदम बहुत ही अच्छा। तो आप भी अगर पनीर यूज़ करते हैं गुलाब जामुन में तो पता होगा कि कैसा बनता है। नहीं यूज़ करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे तो मैंने पहली बार ट्राई किया था और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैं आइंदा कभी भी अब गुलाब जामुन के लिए ट्राई करूँगी तो हमेशा पनीर का यूज़ करूँगी। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो मैं सामने से वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट आज बना रही हूँ। मुझसे लोग अक्सर एक सवाल, अच्छा हुआ आपके दो बच्चे एक ही साथ हो गए और आपको जो है आप फ्री हो गए। तो मुझे बहुत हंसी आती है, मैं सोचती हूँ हाँ ठीक है, वो तो है, ये तो सच है कि फ्री तो हो गए, बट ऐसा है ना दो बच्चों में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ट्वेंस बच्चों में क्या होता है कि हर चीज़ आपको डबल डबल करनी पड़ती आ जाती है। आपको दूध पिलाना है तो आपको डबल करना है काम, अगर आपको बच्चे की मालिश करनी है तो डबल, मतलब ए टू जेड हर काम जो है डबल डबल हो जाता है। और इसमें तो ये कहना है कि हाँ चलो आपके दो बेबी एक ही साथ हो गए और आप फ्री हो गए, हाँ चलो ये तो सही है कि हाँ दो बेबी हो गए और आप फ्री हो गए, बट जब से आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो ना तभी से आपकी केयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे तो पूरी प्रेगनेंसी बेड रेस्ट रहा है, तो मेरे घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट था कि और मेरा इतना ध्यान रखे कि और मेरे बच्चे जो भी जो है हेल्दी पैदा हुए। अभी जो बेबीज हैं बहुत ज़्यादा ये लोग शोर कर रहे हैं ना, और इन लोगों को जाना भी है मुझे इतना लेकर के, मतलब दीदी लगेंगे रिश्ते में, तो लोगों को लेकर जाना। तो अभी ये लोग लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर, अभी मैं आपको दीदी सिखाती हूँ कितना लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। तो चलिए, थैंक यू आपके इतने सपोर्ट और प्यार के लिए। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो मैं वीडियो बंद करती हूँ।